हेतु मैं जेपी शर्मा जी को जो है वो मंच सौंपता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जेपी शर्मा, क्योंकि राधा कृष्ण मंदिर राजगुलाब हरियाणा का मैं प्रधान बना गया हूँ। सभी मीडिया कर्मियों का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो राधा कृष्ण मंदिर है उसी जो कमेटी है वो 1 सितंबर को एक पब्लिक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे चेयरमैन श्री तिलकराज दीवान भी उधर थे और उनकी प्रेजेंस में उस कमेटी को रिजॉल्व कर दिया गया था। और फिर उस कमेटी ने हमारे से 1 महीने का समय मांगा था और उनको 1 महीने का समय देता हुए जो कि 18 अक्टूबर को पूरा हो गया था, 23 अक्टूबर को फिर एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग की गई और उसमें जो है सब लोगों ने एक सर्वसम्मति से मुझे उस कमेटी का प्रधान चुना गया और फिर हम सब ने बैठ करके पूरी की पूरी जो कमेटी है उसको हमने एक पूरी शक्ल दे दी है कि ये कमेटी क्या होगी और ये कमेटी क्या करेगी। जैसे मैंने कहा कि उसमें मुझे डॉक्टर जेपी शर्मा को प्रधान और जो हमारे डॉक्टर सुभाष गोस्वामी हैं उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और श्री सतपाल बिट्टू जी उनको वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारे दीपक गुप्ता जी हैं, दीपक गुप्ता जी जो हमारे एडवोकेट हैं वो उनको चुना गया है जनरल सेक्रेटरी और इसी तरह से जो हमारे बंटी जी हैं उनको पब्लिसिटी सेक्रेटरी और श्री तिवारी लाल जी फाइनेंस सेक्रेटरी और मतलब हमारी जो पूरी की पूरी जो कमेटी है उसको बिल्कुल एक शक्ल दे दी गई है और सब लोग जो है वो अब सम्मान धर्म से काम करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो राधा कृष्ण मंदिर है ये सनातन धर्म की सेवा 1959 से कर रहा है और सर्वसम्मति से हर बार हर 3 साल के बाद वो वहां पर प्रधान चुना जाता है जैसे कि इस बार भी चुना गया है। तो अब जो हमारी कमेटी है मैंने देखा कि इसमें हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर हैं, हम कुछ साप्ताहिक कार्यक्रम रखेंगे, कुछ महीना या महावारी कार्यक्रम रखेंगे, कुछ सालाना कार्यक्रम रखेंगे। तो इस तरह से अपने जो सनातन धर्म की हम जो है वो सेवा करेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं सारे मीडिया कर्मियों को बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर को कुछ जो स्वार्थी तत्व है वो ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रस्ट बनाने का मतलब यह है कि वो इस मंदिर को अपनी एक प्रॉपर्टी के रूप में देख रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। और हमारी कमेटी के संज्ञान में ये बात आई है, हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही शर्मसार वाली बात है और मेरे ख्याल में वो जो हमारे शरारती ये तत्व कहूंगा मैं उनको स्वार्थी तो हैं वो शरारती भी हैं, हमारे धर्म के साथ ऐसा खेल कर रहे हैं, इसको हमें इग्नोर नहीं किया जाएगा और उनके ऊपर हम सामाजिक एक्शन भी लेंगे, धार्मिक एक्शन भी लेंगे और जो लीगल जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि वो हमारे साथ सहयोग करें और इस तरह की अपने सनातन धर्म से इस तरह की जो खिलवाड़ करना है वो बंद कर दें। बाकी इसी मंदिर के नाम से कुछ लोगों ने जो है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक वगैरह जो है अकाउंट खोले हुए हैं तो जो वो भी एक फैंस है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो ग्रुप हैं वो अकाउंट जो है क्लोज हो जाएंगे और अगर वो कंटिन्यू रहते हैं तो उनके ऊपर भी हम एक कानूनी कार्रवाई। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.